Hey, what is up guys? I'm back with a new video. और आज हम बात करेंगे येस बैंक के बारे में। तो यहाँ पर पिछली बार मैंने इंडसइंड बैंक के बारे में वीडियो बनाई थी और हमने जैसा देखा वैसे कुछ सिमिलर सिचुएशन हुई इंडसइंड बैंक में और लोगों ने काफी प्रॉफिट कमाया। तो जिन्होंने भी वहाँ पे प्रॉफिट कमाया होगा या फिर अपना लॉस प्रोडक्ट किया होगा उनके लिए वेरी बिग थम्स अप एंड अप्लॉज फ्रॉम माई साइड। एंड जिन्होंने नहीं अप्लाई किया होगा तो दे हैव देयर रिजल्ट्स ऑन देयर फेस। वेल, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर येस बैंक में मैंने लास्ट टाइम कहा था कि येस बैंक है कैसे रेजिस्टेंस पे आया है। अभी करंटली आप देख सकते हैं एटलीस्ट दिस इज आई गेस 30th को यहाँ पर इसने थोड़ी गिरावट नज़र आई। तो मैंने इस 30th की जब वीडियो बनाई थी 27 की भी वीडियो बनाई थी मैंने, यहाँ पर 27 को भी ऑलमोस्ट यहाँ पर इसने बढ़त दी। उसके बाद यहाँ पर इसने रिवर्सल दिखाई थी और 27 यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर 30 पे काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था इसी बात को सिमिलर अभी रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इसने जाने की मतलब ट्राई कोशिश की ऊपर जाने की, उसके बाद इसने गिरावट दिखाई। तो मैंने जब बोला कि यहाँ से अगर गलती से भी ऊपर जाता है तो यहाँ पर आपको 30 जैसे ही टच करेगा या फिर उसके अराउंड आपको यहाँ पर इसको सेल कर देना है। आपको इसमें जो भी पोजिशन है उसमें सेल ऑफ, लॉन्ग टर्म वालों की बात नहीं कर रहा, मैं इंट्रा डे वालों की बात कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर 30 के अराउंड जो भी प्रॉफिट मिले आपको बुक करके बाहर निकल जाना है। प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। मैंने काफ़ी वीडियोज़ में और काफ़ी स्टॉक्स में बता रहा हूँ कि प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलो। जब से ज़्यादा ग्रीड करके अगर बैठे रहोगे तो मार्केट आपको ले डूबेगा। तो आपको, आप नहीं चाहते कि मार्केट आपको लेके डूबे, तो प्रॉफिट ले लो और बाहर निकल जाओ। वेल, यहाँ पर हम देख सकते हैं अभी एक रेजिस्टेंस को इसने वापस टच किया और सिमिलर सिचुएशन हमें देखने को मिली और अभी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल दिखा रहा है। वेल, फिलहाल आने वाले दिनों में यहाँ पर यानी मंडे यानी ऑलमोस्ट अगर मंडे को यानी आने वाले आई गेस 4th को यहाँ पर जो जब मार्केट स्टार्ट होगा तो 4th के दिन यहाँ पर मार्केट में शायद गिरावट आते हुए हमें देख सकते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पर दो दिन कंटिन्यूस, आज महाराष्ट्र डे था तो यहाँ पर मार्केट अभी बंद था। अगर हम कल का डाउ जोन्स देखें और आज का डाउ जोन्स देखें तो दोनों भी नेगेटिव में है। आज का डाउ जोन्स कम्प्लीटली नेगेटिव चल रहा है, कम्प्लीटली नेगेटिव। अगर अभी की करंट सिचुएशन देखें तो -582.12 यहाँ पर अभी करंटली डाउ जोन्स चल रहा है। मैं चाहे तो आपको यहाँ पर डाउ जोन्स भी ओपन करके दिखाता हूँ। आप बोलेंगे कि डाउ जोन्स का और S&P 500 इसका दोनों का क्या संबंध है? संबंध तो काफी है क्योंकि वर्ल्ड ऑलमोस्ट सारा जो भी यहाँ पर ट्रेड्स चलते हैं वो यूजुअली ट्रेड्स आर सारे वर्ल्ड के मार्केट पे ऊपर भी डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर दो दिन US का मार्केट गिरेगा तो उसके बाद अगले दिन इंडियन मार्केट जो है वो ऑब्वियसली गिरेगा ही। अभी आप देख सकते हैं -577.76 तक चला गया। तो ये दो दिन लगातार अगर डाउ जोन्स की बात करें तो 2 डेज कंटिन्यूस इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। अगर हम देखें यहाँ पर इसमें तो 2 दिन लगातार इसमें हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। आप देख सकते हैं इसने एक हाई बनाया था और ये यहाँ पर भी ट्रेडिंग इंडिया की ऑलमोस्ट एंड हो गई थी। उसके बाद इंडिया का ग्रीन भी हुआ था बट यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर इसने बेरिश दिखाया और यहाँ पर आज भी यहाँ पर ये बेरिश ही है। और अभी हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में शायद बहुत से लोग बोल रहे हैं, यानी मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी में आने वाले दिनों में गिरावट आ सकती है। बहुत से लोग ने 2-3 दिन पहले देखा कि नहीं भाई अभी तो तुमने बोला कि 10,000 टच नहीं करेगा, 10,000 टच करेगा तो भी उससे नीचे आ जाएगा, बट अभी निफ्टी 9,800 पे है समथिंग, तो तुम्हारा एनालिसिस गलत हो रही है। तो मैंने यहाँ पर एनालिसिस गलत नहीं है, आप इससे आने वाले दिनों में आपको ये बात पूरी तरह से समझ आ जाएगी। तो 3 दिन पहले ही वीडियो मैंने ये बनाई है जब मार्केट ऊपर आराम से बुलिश था और मैंने कहा था कि 10,000 ये टच करेगा या फिर टच ना भी करे तो भी वहाँ से एक रिवर्सल ज़रूर लेगा और नीचे आएगा ऑलमोस्ट 8,000 to 7,500 तक तो ज़रूर मार्केट नीचे आएगा। और मैंने बात बोली थी यहाँ पर और वही सिमिलर सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में भी। और मंडे को यहाँ पर अगर हम पूरा मार्केट देखें तो येस बैंक और बाकी के जो भी शेयर्स है
आप मोस्ट प्रोबेबली बाय ना करें तो काफी अच्छा होगा. आई वोंट रिकमेंड यू टू बाय एनी स्टॉक्स एट ऑल. अगर आपको लगता है कि यहाँ पर तो इसका मतलब क्या है कि सेल करना चाहिए ऑब्वियसली, बट सेल करोगे तो भी यहाँ पर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ सेल करोगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ सेल करोगे. विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल वर्क करना, बट बाय आई वोंट रिकमेंड. स्टॉप लॉस लगा के भी बाय मत करो, स्टॉप लॉस लगा के भी बाय मत करो. अगर स्टॉक मार्केट ऊपर गया तो काफ़ी अच्छी बात है, क्यों बुरी बात तो बिल्कुल नहीं है, काफ़ी अच्छी बात है. बट यहाँ पर जो चांसेस नज़र आ रहे हैं, आप बोलोगे कि यार नहीं ऑप्शन चेन भी तो काफ़ी अच्छी आ रही है, बट यहाँ पर एक्चुअल जो ट्रेडिंग होगी ऑप्शन चेन्स में भी अगर हम देखा जाए, आपको ऑप्शन चेन यूजुअली मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए बताऊंगा. तो सबसे पहले देखिए हम 30 पे ऊपर की बात करते हैं. 30 पे मुझे काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पर. और अगर हम 25 की बात करें तो 25 पे भी यहाँ पर एक ऐसा सपोर्ट है जो आसानी से टूट सकता है. 25 का जो सपोर्ट है वो आसानी से टूट सकता है. अगर 27 देखें और 25 अगर काफ़ी नीचे आता है तो 26 तक आने तक ये इतना वीक हो जाएगा कि आसानी से इसे तोड़ सके, आसानी से इसे तोड़ सके. जब तक ये 26 तक आएगा नीचे डाउन गिर गिर के, अगर वहाँ पर पहले ही संभल गया तो काफ़ी अच्छी बात है. बट अगर नीचे आया और बेरिश मोमेंटम हमें नज़र आया यहाँ पर निफ्टी में येस बैंक में, तो यहाँ पर 25 भी टूटने की संभावना है. अगर हम 20 की बात करें तो 20 फिलहाल वैसा ही सिमिलर है, 20 भी ठीक ठाक ही चल रहा है, इतना भी कुछ तगड़ा सपोर्ट नहीं है. बट हम 25 टूटने के बाद 20 डिस्कस करेंगे तो फिर यहाँ पर एक अच्छा होगा. ये 28 मई की एक्सपायरी है, एक्चुअल इसमें जो ट्रेडिंग होनी है वो यहाँ पर अगले ट्रेडिंग सेशन में ट्रेडिंग होगी, क्योंकि पीछे गई वो एक्सपायरी थी वगैरह. तो एक्चुअल में इसकी ट्रेडिंग आने वाले टाइम में शुरू हो जाएगी, तब हमें एक्चुअल में रिजल्ट दिखेंगे. बट अभी करंटली अगर हम देखें तो यहाँ पर मुझे 30 पे काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है. तो आई वोंट रिकमेंड यू टू बाय इट फॉर द टारगेट अबाउट 30. 30 के ऊपर जाना इसका काफ़ी काफ़ी डिफिकल्ट है आने वाले दिनों में, आने वाले एक हफ्ते में एटलीस्ट. एक हफ्ते की बात, एटलीस्ट मैं एक महीना भी कहूँ ना तो भी ठीक रहेगा, बट एक हफ्ता तो फिक्स ये 30 के ऊपर नहीं जा रहा. 35 की तो बात ही नहीं करते फिर, बट 25 हाँ 25 के नीचे आ सकता है, क्योंकि 25 एक बिल्कुल भी लूज सपोर्ट है. 20 की बात करें, 20 भी एक लूज सपोर्ट है, बट यहाँ पर बाद में वापस बाइंग शुरू हो जाएगी. 20 पर आने तक लोग वापस थोड़े ये हो जाएंगे कि नहीं अभी 300 तक जा सकता है ऐसा वैसा, तो लोगों के मन में वो बैठ चुका है. वो 300-400 वाली प्राइस ना लोगों के अभी भी मन में बैठी हुई है, लोग अभी भी समझे नहीं है. इसलिए मैं आपको यहाँ पर बात करूँगा कि यहाँ पर जो भी अभी तक कहा है मैंने कि बाय नहीं कीजिएगा, इसको सीरियसली लो, प्लीज़ सीरियसली लो, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली गिरावट आई तो काफ़ी आने की आशंका है. 27 देखे तो 27 भी एक अच्छा सपोर्ट है, तो 27 अगर टेक्निकली टूट जाता है तो यहाँ पर और गिरावट आ सकती है. 26 विल बी फर्स्ट सपोर्ट, अगर आपको सेल कर रहे हो तो 27 विल बी फर्स्ट टारगेट फॉर सेलिंग, सेकंड टारगेट विल बी डायरेक्ट 26.5 ले लो, 26.5 विल बी योर सेकंड टारगेट. तो ये दो टारगेट रहेंगे अगर आपको यहाँ पर आने वाले दिनों में सेल करना है स्टॉक, तो ये दो टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ. इसके नीचे और स्लिप होता है तो वी नेवर नो, इट माइट गो टू 25 के बाद थोड़ी रिकवरी भी देखने को मिल सकती है, थोड़ी रिकवरी. क्योंकि 25 ऑब्वियसली सपोर्ट है तो थोड़ी रिकवरी देखने को मिलती है, बट टूटा तो और यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन जोन है, ये 25 वाला जो सीन है, ये 25 कंसोलिडेशन वाला सीन है. यहाँ पर स्टॉक आने के बाद यूजुअली कंसोलिडेट करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर भी किया था. तो अभी यस बैंक में इतनी वॉलिटिलिटी कम हो चुकी है ऑब्वियसली, इसलिए अभी 25 पे आके कंसोलिडेट कर सकता है. इसलिए आपको दो टारगेट दिए हैं मैंने, तो उन दो टारगेट को स्ट्रिक्टली आपको लेके चलना है. और स्टॉप लॉस आपको 25.50 के ऊपर अगर, या फिर 29 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आपको सेल की पोजीशन नहीं लेनी, तो आपको सेल की पोजीशन नहीं लेनी, आपको बाय भी नहीं करना, आपको बस बाहर रह के तमाशा देखना है, आपको बस बाहर रह के आपको ट्रेड नहीं करना फिर. अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो आपको इंट्राडे में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना,
क्योंकि यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट, अगर ऊपर गया तो फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है क्योंकि काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। तो 30 के ऊपर ये टच होके वापस नीचे रैली 100% मारेगा, इसलिए आपको बाय करने की गलती 30 के ऊपर बिल्कुल नहीं करनी। जब तक मैं नहीं कहता किसी वीडियो में कि 30 के ऊपर बाय करो या अभी बाय करो, तब तक बिल्कुल भी नहीं। फिर फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा।